सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि कट्टर कौन होते हैं, किसे कहते हैं और सहिष्णु किसे कहते हैं। वैसे यह बहुत लोकप्रिय शब्द है कट्टर, जिसका अर्थ है कि किसी भी चीज में दृढ़ हो जाना, वो चाहे सही चीज हो या गलत चीज हो, लेकिन मुख्यतः यह गलत चीज के लिए ही प्रयुक्त होता है। अर्थात ऐसा सिद्धांत या ऐसा मुद्दा, ऐसी विचारधारा, ऐसी भावना जो सार्वजनिक रूप से सही नहीं हो, सामाजिक रूप से सही नहीं हो, समाज उसे सही नहीं मानता हो, उसके बाद भी व्यक्ति जब टिका हुआ है उस पर, तो कहते हैं कि यह कट्टर है। वहीं पर दृढ़ व्यक्ति उसे कहते हैं जो सही मुद्दे पर, सही चीज पर, सही विचारधारा, सही सिद्धांत पर टिका हुआ हो। तो दृढ़ता और कट्टरता में यह अंतर होता है, हालांकि दोनों ही टिके होते हैं, अपनी अपनी जगह पर अटल होते हैं, लेकिन ये है कि जो दृढ़ व्यक्ति है वो सकारात्मक अर्थ में अटल रहता है और कट्टर नकारात्मक अर्थ में अटल रहता है। और अटल ही नहीं रहता है, बल्कि कट्टर व्यक्ति तो उसके मन में घृणा द्वेष की भावना बहुत जबरदस्त होती है, और सिद्धांत से घृणा करते करते वह व्यक्ति से भी घृणा करने लगता है, और फिर व्यक्ति से घृणा करते करते समाज से भी घृणा करने लगता है, जिस समाज के प्रति उसका विद्वेष है, जिस समाज को वो समझता है कि गलत है, फिर उसके खिलाफ में वह घृणा करते करते उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि हिंसात्मक हो जाता है, और फिर उसके खिलाफ में कुछ भी जो कार्रवाई है, चाहे वह नाजायज हो, अन्यायपूर्ण हो, फिर भी उसे वह सही मानता है। तो जो कट्टर व्यक्ति होते हैं वे न्याय को दांव पर रख देते हैं, न्याय को किनारे कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, सत्य को दरकिनार कर देते हैं। बस उनकी जो जिद है वह जिद पूरी होनी चाहिए, उनका लक्ष्य यही रहता है। तो इस तरह के लोग जो हैं देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा, विशेषकर जो जो तर्क को महत्व नहीं देते हैं, जो विज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, जिनमें मानवता की कमी होती है, मानवीय भावना की कमी होती है, जिनमें प्राणी भावना की कमी होती है, तो ऐसे लोग अपने ही, लेकिन ये सब शक्तिशाली लोग होते हैं, शक्ति इनमें बहुत होती है, ताकत बहुत होती है, बस ताकत की दिशा विरोध पर टिकी होती है, किसी के विरोध पर, किसी के नफरत पर, घृणा पर टिकी होती है। तो अब दृढ़ व्यक्ति और इनमें जो अंतर होता है वही है, होता है कि कभी कभी लोग दृढ़ व्यक्ति को भी कट्टर समझ लेते हैं, यह एक भूल हो जाती है। दृढ़ व्यक्ति कट्टर नहीं होता है, वह तर्क के आधार पर टिका होता है, वो सही जगह पर रहता है, वो न्याय के आधार पर टिका होता है, वो सत्य के आधार पर कोई एक बुनियाद दिया होता है। हो सकता है कि उस मामले में वो किसी पूरे समाज के खिलाफ खड़ा हो जाए, यह भी हो सकता है किसी धर्म के खिलाफ में खड़ा हो जाए, किसी संप्रदाय के खिलाफ में खड़ा हो जाए, परंतु वह उसकी दृढ़ता कही जाती है, कट्टरता नहीं। तो दृढ़ता और कट्टरता में अंतर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, और लोग अमूमन गलती से कट्टर व्यक्ति को भी कभी कभी दृढ़ समझ लेते हैं और दृढ़ व्यक्ति को भी कभी कभी कट्टर समझ लेते हैं। तो ये दोनों बातें हो जाती हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है।
लेकिन आप अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे, न्याय का, सत्य का, विज्ञान का, तो आपको पता चलेगा कि दृढ़ता और कट्टरता में कहाँ पर भेद है। उसी तरह से सहिष्णुता की बात है, सहिष्णु व्यक्ति कौन है और कौन व्यक्ति है जिसे कि आज के समाज में सेकुलर कहा जाता है। सहिष्णुता और सेकुलरता में भी थोड़ा ही सा अंतर है, ये जान लें। सहिष्णु वह व्यक्ति है जो सही बात को, चाहे उसके खिलाफ भी क्यों ना हो, न्यायपूर्ण बात को, चाहे उसके या उसके समाज के या उसके परिवार के या उसके धर्म के संप्रदाय के खिलाफ भी क्यों ना हो, यदि सत्य और न्यायपूर्ण बात है तो उसे वह स्वीकार करता है। उससे वह रोष में नहीं आता, क्रोधित नहीं होता, उसे वह स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के बाद कैसे उसमें बदलाव लाया जाए, कैसे उसको सुधारा जाए, इसका भी प्रयास करता है। ऐसे लोग सहिष्णु होते हैं और वे लोग जो सेकुलर हैं वो देखने में लगता है कि सहिष्णु हैं। जैसे दृढ़ता और कट्टरता देखने में एक जैसा लगता है, उसी तरह से सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता जिसको कह रहे हैं सेकुलर, ये देखने में एक जैसे ही मालूम पड़ेंगे। ऊपर से सेकुलर भी वही होते हैं जो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन दोनों के पीछे मंतव्य अलग होता है। सहिष्णु व्यक्ति वहीं तक सहिष्णु है जहां तक कोई सत्य और न्याय की बात बोल रहा है, वहीं तक उसे वह बर्दाश्त कर रहा है, स्वीकार कर रहा है और अपने में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। अन्यायपूर्ण बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो अन्यायपूर्ण बात को भी बर्दाश्त करता हो, सहता हो, किसी अन्य लाभ के लिए, सत्य और न्याय के लिए नहीं, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षुद्र किसी स्वार्थ के लिए, ऐसे लोग ही सेकुलरिस्ट होते हैं। ये देखने में सहिष्णु लग सकते हैं लेकिन ये सेकुलरिस्ट होते हैं, और हमारे देश में सेकुलरिस्टों की संख्या बहुत है, क्योंकि वे किसी न किसी चीज में लाभ पाना चाहते हैं। कोई राजनीतिक लाभ पाना चाह रहा है, कोई कोई पद का लाभ चाह रहा है, प्रशासनिक लाभ चाह रहा है, चाहे व्यापारिक लाभ चाह रहा है, किसी प्रकार का लाभ चाह रहा है, इसलिए वह होता है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो सेकुलरिस्ट सब ये सब गैंग बनाते हैं, ये नकारात्मक व्यक्तित्व होता है जो कि बाहर से सकारात्मक दिखता है, बाहर से लगता है जैसे सबके कल्याण के लिए सोच रहा हो, लेकिन वस्तुतः वह सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए और अपने ग्रुप के कल्याण के लिए सोचता है, अपने गैंग के कल्याण के लिए सोचता है। ये अंतर होता है। सहिष्णु व्यक्ति वह उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसमें पाखंड नहीं होता, और सेकुलरिस्टों में पाखंड होता है। सहिष्णु व्यक्ति पाखंडी नहीं होता, वो बिल्कुल सत्य और न्याय के आईने में जो साफ बात है उसको वह देखता है, समझता है और उसे इसके हिसाब से कर देता है। लेकिन सेकुलरिस्ट ऐसा नहीं होते, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से वो करते हैं, वो पक्षपात करते हैं, जहाँ जिसका है पक्षपात करेंगे, बाहर से ढोंग करेंगे, नहीं हम आपके भी साथ हैं, आपके भी साथ हैं, लेकिन किसी विशेष के साथ होकर के वह अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस तरह के भेद होते हैं सहिष्णु में और सेकुलरिस्ट में। और ये जो असहिष्णु हैं सेकुलरिस्ट, तो असहिष्णु किस तरह से हैं, असहिष्णु और कट्टर क्या एक जैसे हैं? तो कुछ हद तक एक जैसे कह सकते हैं, लेकिन असहिष्णु का जो सही समानार्थक शब्द जो है वह कट्टर नहीं हो करके वह सेकुलरिस्ट ही ज्यादा है, क्योंकि कट्टर दृढ़ होता है, सेकुलरिस्ट कभी दृढ़ नहीं होते, वो धूर्त होते हैं, पाखंडी होते हैं, चंट होते हैं, वे कभी भी पलटा मार सकते हैं। कट्टर कभी पलटा नहीं मारता, वो गलत सही जैसी जगह पर है वहां अपनी जगह पर टिका रहता है, अड़ा रहता है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता है। सेकुलरिस्ट कभी अपनी जान नहीं देता, दूसरे की जान लेता है,
वह कभी अपना बलिदान नहीं देता। सेकुलरिस्ट वो सिर्फ किसी का धन, किसी का ये सब, यानी भोग की वृत्ति उसमें होती है। कट्टर में भोग की वृत्ति वैसे नहीं होती है। कट्टर के लिए भोग महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सिद्धांत पर अपना अडिग हो जाना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए असहिष्णु एक अलग ही वह विधा है, वह बर्दाश्त नहीं करता है। और पाखंड का जो घेरा है वह सेकुलरिस्ट में होता है। तो यह एक अलग ही ढंग की मनोवृत्ति है जो अधिकतर लोगों में पाई जाती है, ज्यादा लोगों में पाई जाती है, क्योंकि ये सब जो है मौका प्रस्त लोग होते हैं, और मौका प्रस्त के हिसाब से ये करते हैं। ये भोगवादी होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, इन्हें सत्य न्याय से कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन ये सफेद पोष होते हैं, दिखावा ढोंग करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। ये सबसे खतरनाक है। कट्टर उतने खतरनाक नहीं जितने कि ये, क्योंकि कट्टर का एक स्टैंड होता है और इनका कोई स्टैंड नहीं होता। ये बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कभी इधर लुड़केंगे कभी उधर लुड़केंगे, जैसा मौका देखेंगे वैसे करेंगे। जिसके साथ रहेंगे उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो ये शब्द इसके अर्थ हैं। और असहिष्णु व्यक्ति जो है वह कट्टर के नजदीक है, लेकिन असहिष्णु और कट्टर में अंतर बस इतना भर है कि कट्टर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है, और असहिष्णु जो होता है वह सैद्धांतिक रूप से ही विरोध करता है, बौद्धिक रूप से ही विरोध करता है, या हल्का फुल्का असहयोग करेगा, वो किसी भी हद तक नहीं चला जाएगा। लेकिन कट्टर किसी भी हद तक चला जाता है, एक्सट्रीम तक चला जाता है। असहिष्णु एक्सट्रीम तक नहीं जाता, एक्सट्रीम से थोड़ा सा कम रह जाता है। यह उन दोनों में अंतर है। तो मुझे उम्मीद है आप इस अंतर को समझ गए होंगे। जो जिज्ञासा है वो पूरी हो गई होगी। ओम।